अल्लाह की रजा है, अल्लाह पाक ने आपको पकड़ा है और आपको कहा है कि भाई अभी जैसे निकल जाओ, अभी आपका जो मतलब खाना पीना है इधर, आपका वो जो रिज्क है वो ख़त्म हो चुका है, आपका रिज्क वहाँ पे है, अभी आप निकल जाओ वहाँ के लिए। तो बस इसी तरह ही है, निज़ाम साथ साथ चलते दुनिया हैं, ऐसे चलती है। दुनिया ऐसे चलती है। तो जी आज मिलना, इधर इंशाल्लाह भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसा इधर बनाया, इंशाल्लाह गैरी गैरी ओनली फुल बिल्कुल कार्स इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस हमारा भी कोई पता नहीं है, हम भी चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अनदर व्लॉग अनदर डे। कैसे सब लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और घर घर से होंगे, सब मजे में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज पहले की तरह फिर हम होंडा के अंदर मौजूद हैं और आज हम नॉर्मल एक रैंडम व्लॉग बना रहे हैं। तो बड़ा टाइम हो गया है, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम बहुत टाइम से तकरीबन 3-4 साल से होंडा में रहे हैं। तो बस भाई हमारे छोड़ के हमें जा रहे हैं और कतर जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे उनके मिशन में, जिस मिशन में वो जा रहे हैं। तो बस उनके अभी 1-2 दिन लास्ट हैं और आज हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो आज हम गुलबर्ग के अंदर सैर सपाटा भी कर रहे हैं और भाई के साथ गपशप भी लगा रहे हैं। तो भाई के साथ मिलाते हैं आपको, भाई की क्या फीलिंग है हमें छोड़ के जाने की। तो जी भाई साहब सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या फीलिंग है आपकी? अभी यार नहीं पता, 4 साल इतना थोड़ा टाइम नहीं है, बिल्कुल लेकिन अल्लाह खैर कर इंशाल्लाह वापस भी आएंगे और उधर भी मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर कर। बस भाई साहब हमें छोड़ के जा रहे हैं और हमारा भी कोई पता नहीं है, हम भी भाई के पीछे पीछे चले जाएं, ये पता इंशाल्लाह कोई नहीं है। लेकिन टाइम बहुत अच्छा गुजरा हमारा और बड़ा याद करे हैं, बड़ी यादें हैं हमारी, बड़ा घूमे हैं, बड़ा एंजॉय किया, बड़े खाने छाने खाए, बड़ा कुछ हमने किया है। तो सारी चीज़ें उधर जाके तो मिस होंगी। मिलेंगे क्यों नहीं, आप इंशाल्लाह उधर भी आएंगे, इंशाल्लाह प्लान है बिल्कुल। आपको उधर मिलना। बस असल में और ना कुछ लोग हैं जो 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 बंदे के साथ मतलब होते हैं ना इकट्ठे, तो बस जब बंदा उनके साथ अलग होता है ना तो वो फीलिंग थोड़ा अलग हो जाता है। इंशाल्लाह उधर मिलना, इधर इंशाल्लाह भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसा इधर बनाया, इंशाल्लाह गैरी गैरी ओनली फुल बिल्कुल कार्स बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस हमारा भी कोई पता नहीं है, हम भी चले जाएं, करते तो हम बातें ही हैं वैसे, हमने कहाँ जाना है, लेकिन पता कोई नहीं है आज का जो हालात है पाकिस्तान के, कि कब भी कोई भी कुछ हो सकता है। तो गुलबर्ग के अंदर घूम रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं गुलबर्ग का माहौल, और बस चल रहा है निज़ाम सारा। हाय हाय, सिविक के अंदर मज़े ले रहे हैं हम तो, साथ में गपशप भी हो रही है और साथ में मौसम भी इंजॉय हो रहा है और सिविक भी मज़े, सिविक के मज़े भी ले रहे हैं और रोज़े के साथ। अल्लाह पाक सबके रोज़े अच्छे ठीक ठाक जा रहे होंगे रोज़े के साथ। थोड़ा ज़रा ये है कि नमाज परहेज करनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, 1 महीना होता है बंदे के पास, करनी तो वैसे भी चाहिए लेकिन ये कि रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल, कब की फ्लाइट है फिर, कब नहीं जा रहे हो? 31 ऑफ मार्च इंशाल्लाह, मार्च इंशाल्लाह निकल जाएंगे फॉर श्योर, अल्लाह सारी पाकिस्तान हिफ्ज में रखे। बिल्कुल आमीन जी। तो दिन की फ्लाइट है रात की है? रात रात में, रात की फ्लाइट है, उधर 3 घंटे में उधर बन जाएगा इंशाल्लाह। सही, अल्लाह खुश। तो इंशाल्लाह रابطہ शब्दा होता रहेगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, हम भी मिलते रहेंगे, गपशप होती रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे को छोड़ के तो नहीं जा रहे ना, मिलते रहेंगे, भाई आते रहेंगे, हम उधर जाते रहेंगे, सारा निज़ाम साथ साथ चलता रहेगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ साथ बंदे को चलना चाहिए, बिल्कुल है। कब जो जो रिज़्क जहाँ बंदे के नसीब में लिखा हुआ है ना, अगर वो पाकिस्तान में है, दुबई में है, यूरोप में है, जिस भी कंट्री में है, तो वो ऑटोमेटिकली रिज़्क इंसान को खुद ब खुद लेके जाता है उधर। तो बाकी है कि अल्लाह की रज़ा में इंसान को राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा जहाँ पे राज़ी होती है, तो क्योंकि अल्लाह की रज़ा के अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये भी अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, जो भी है ये भी अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह पाक ने आपको पकड़ा है और आपको कहा है कि भाई अभी जैसे निकल जाओ, अभी आपका जो मतलब खाना पीना है इधर, आपका वो जो रिज़्क है वो ख़त्म हो चुका है, आपका रिज़्क वहाँ पे है, अभी आप निकल जाओ वहाँ के लिए। तो बस इसी तरह ही है, निज़ाम साथ साथ चलते हैं, दुनिया ऐसे चलती है। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सबको भी अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे, आपके अपने अपने मिशन में, अपने अपने जहाँ भी आप जो काम कर रहे हैं उनको कामयाब करें। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एंड पे क्या कहना चाहेंगे आप जी? अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान। आमीन। थैंक यू।